देश में लोकसभा चुनावों का रण बखूबी सज चुका है। इस बार चुनावों को लेकर देश भर में लड़ाई है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की। 2024 में होने वाले चुनावों को देखते हुए हर ओर सियासी पारा चढ़ चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में गर्माहट देखने को मिल रही है। चुनावों से पहले सभी पार्टियों का वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एक ओर बीजेपी का एनडीए है, जिसका दावा है कि वो 2024 में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं दूसरी ओर सपा के साथ वाला नया नवेला गठबंधन है इंडिया, जिसका कहना है कि यूपी में इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल इन सभी दावों का खुलासा तो घोषित उपचुनाव के नतीजों के बाद हो जाएगा, लेकिन इन सभी दावों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा आरोप लगाते हुए निशाना साधा और भाजपा को सबसे बड़ा भूमाफिया बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर यही होगा, लेकिन वो गरीबों पर नहीं चलेगा बल्कि 8-10 मंजिला इमारत वालों पर चलेगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को भी अखिलेश यादव ने आड़े हाथ लिया। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और जब इस समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में जन लोक जागरण यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव शुक्रवार को जिला फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई, मणिपुर हिंसा, महंगाई और ऐसे ही कई मुद्दों पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। भूमाफिया, दरारजीवी, प्रशासन का गलत इस्तेमाल और जनता को गुमराह करने वाली सरकार की उपाधि से अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी को नवाज दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर बयान देते हुए अखिलेश ने भाजपा को भूमाफिया करार दिया, तो दूसरे ही बयान में हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ाने वाले दरार जीवी की उपाधि से बीजेपी को नवाजा। लेकिन ये सरकार अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, सरकार के लिए किसी के बीच में दरार पैदा कर देंगे। किसी के बीच में आपने नहीं देखा विधानसभा में, कहने को तो वो योगी है, लेकिन जब तुम्हारा मन लगे योगी तो वो वीडियो देख लेना जिसमें होगा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? दरार पैदा कर रहे थे। दरार, ये दरार पैदा कर करके राजनीति करते हैं ये बीजेपी के लोग। दरार जीवी हैं, दरार जीवी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर भी प्रहार किया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कुठारघात का आरोप लगाए। झूठ बोलने का, झूठों का बोलवाला, झूठों का बोलवाला। कभी कभी झूठ वालों को लाभ मिल जाता है। जनता को लगा कि बीजेपी वाले इन्हें सोने सोना देंगे, इनकी खेती बाड़ी को इतनी मदद करेंगे ये घर घर में सोना होगा, क्योंकि ये सोने की चिड़िया याद दिलाते थे भारत को। और लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं कि बिजली को लेकर के, कि ये दिवाली और ईद, कब्रिस्तान, शमशान, लोगों को लगा कि शायद इनकी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। बताओ बिजली आती कब है फतेहपुर में और जाती कब है? और जब बिल आता होगा तो आपको अपने आप करंट लग जाता होगा। मीटर लगवा दीजिए, लगा दिए और किसान को करंट लग रहा है, बिल आता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जनता को समझाएं। इसीलिए शिविर लग रहे हैं कि जनता जाने कि एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादियों की थी। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने यूपी के पशु मंत्री के काफिले के सामने साढ़ आने पर भी व्यंगात्मक तंज कसा। कहा, कहीं ये साजिश तो नहीं? साड़ों को कहीं से टेलीग्राम आया होगा, तभी वो मंत्री जी की गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही सोने की चिड़िया की याद दिलाकर जनता के साथ छल करती है। भाजपा लगातार लोगों को नारों के नाम पर गुमराह कर रही है,
ना ही किसान की आय दुगनी हुई है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने जनता से भाजपा से सावधान रहने की अपील की है और भाजपा को चेतावनी दी कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी से सूद समेत हिसाब लेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। अब अखिलेश के इन बयानों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी में एक अलग हुंकार भरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।